आप बताएंगे कि ये मकान किसकी है? ये गोपाल सिंह की मकान है, मालगुजार साहब हमारे गांव के। हाँ, प्रधान हमारे यहाँ प्रधान बोलते थे ना, अंग्रेजों के जमाने में प्रधान होते थे ना, मालगुजार के बंजूर। अच्छा हाँ, प्रधानों का वैसे काम क्या रहता था उस जमाने में? हाँ, ये है भाई आंवले का पेड़ और देखिए इस पे पत्ते तो एक भी नहीं है पर पूरे आंवले आंवले लगे। बहुत अच्छी वैरायटी का आंवला है। जो ने भाई यहाँ पर से कुछ सामान खरीदा है, एक लाइटर और दो गैस में रोटी पकाने वाले। अरे लाला भाई, कितने का खरीदा बीजू? अब देखते हैं, बार्गेनिंग हो गया। बार्गेनिंग, अच्छा बार्गेनिंग होगी। चलिए भाई, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज जा रहे हैं हम मसेड और ये आ रही हमारी गाड़ी। और देखिए गाड़ी के अंदर तो खाली है, ऊपर से महिलाएं बैठ गई हैं छत में। और आजकल ये ट्रेंड चल गया भाई, अब महिलाएं बैठती हैं छत में। इस प्रकार हमारे यहाँ का प्रसिद्ध और पौराणिक मेला और यहाँ पर भाई काफी धूप हो रही है, इसलिए हम थोड़ा सा भी आराम कर रहे हैं यहाँ पे बिस्तरा। और जहाँ पे हम आराम कर रहे हैं ना, वो भी काफी खतरनाक है भैया। और हम आ रखे थे आज असेड मेला, और विजेंद्र जी और जोशी जी भी यहाँ पे बैठे हैं, आराम से आनंद ले रहे हैं। सूरी नेगी जी, हम थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ इसकी पौराणिक मकान है। ये देखिए यहाँ से ही पूरा टूट रखा है, तो लेकिन इसकी जो नकाशी है ना भाई, वो काफी अच्छी है। देखिए जो इस पे बना रखा है गणेश। तो पहले जमाने में कहते थे कि एक खोली का गणेश, तो इस पूरी खोली को बनाने में ना पूरा 6 माह का समय लगता था। तो आज देखिए इसकी दुर्दशा, और इसकी इतनी बारीक निकासी है ना भाई इस पे, ये देखिए बहुत पुरानी और अलग अलग कलाकृति होगी प्रत्येक रो पे। ये देखिए, और आज इसकी ऐसी दुर्दशा हो रखी है। तो इस पौराणिक, कम से कम ये लकड़ी तो अभी खराब नहीं हुई है, इसको संभाल के रख देना चाहिए, काफी पुरानी है। अरे भाई, हमारे यहाँ राशन कार्ड के साथ ये नंबर भी आता था, किसी को याद होगा तो। मकान नंबर है ना, शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी, तो उसमें था साक्षर परिवार सुखी परिवार। तो आज तो प्रत्येक परिवार साक्षर है, तो लगभग यह अभियान भी खत्म हो गया है। तो मकान नंबर के साथ डीलर के यहाँ पे ये स्टिकर मिलता था, देखिए ये देखिए भाई, ये है बल सबसे पुरानी मकान यहाँ पे। जैसे ताऊ जी ने बताया अभी कि बहुत पुरानी मकान है, और इसके नकाशी भी देखिए। और पुराने जमाने में प्रधान लोग होते थे। आप बताएंगे कि ये मकान किसकी है? ये गोपाल सिंह की मकान है, मालगुजार साहब हमारे गांव के। हाँ, हमारे यहाँ प्रधान बोलते थे ना, अंग्रेजों के जमाने में प्रधान होते थे ना, अच्छा हाँ। प्रधानों का वैसे काम क्या रहता था उस जमाने में? हाँ, भवन का और छत्तीस के हाथ में था।
और कोई नुकसान करने का कहीं का भी हो रहा है तो जो जुर्माना अदा किया गया चाराना आठाना जमाने में ऐसे ही था। जी ने अभी हमें बताया कि यहाँ पे पुराने जमाने में इसको कहते थे कोठा। हाँ। और ये होता था प्रधान का मकान। हाँ। प्रधान उनको माल गुजार भी कहते थे और अंग्रेजों के टाइम पे ये प्रथा चली आती थी और प्रधान होते थे अंग्रेजों के एक प्रकार से सिपाही और सारी पावर होती थी उनको किसी को दंड देना या लगान वसूल करना इस तरह के सारे कार्य करते थे वो गांव में और गांव प्रत्येक गांव में लगान भी वसूल करते थे टैक्स के तौर पे जिसे हम आज टैक्स कहते हैं। तो ये है भाई पुराने जमाने की बहानों के मकान और इन देखिए हमारे पैदो वाले भैया बहुत ही पौराणिक कुआं है यहाँ पे। देखिए भाई यहाँ पे ना काफी शुद्ध पानी मिलता है। और अभी हम बैठे हैं तो ना। संतरे के पेड़ के नीचे भाई देखिए कितनी ठंडी छांव और धूप से हालत खराब हो गई है यहाँ आज काफी धूप है। और माइक भी बंद हो गया उसकी बैटरी खत्म हो गई। अब चलो मेले में आ रखे थे तो हमने कहा थोड़ा बहुत हम भी इंजॉय कर लेते हैं और थोड़ा हमने ई गेम भी खेला भाई यहाँ पे। और इस गेम में हम 100 रुपये हार गए सभी ने मिल के कोई डाल नहीं पाया रिंग को। मैं नहीं डाल पाया रिंग।
जिन्होंने भाई यहाँ पर से कुछ सामान खरीदा है, एक लाइटर और दो गैस में रोटी पकाने वाले। अरे लाला भाई, कितने का खरीदा पीछे? अब देखते हैं, बार्गलिंग हो गया। बार्गलिंग, अच्छा बार्गलिंग होगी इसमें भी। अभी ये सामान खरीदा है भाई, अभी पर्स से पैसे निकाल रहा है। 120 बिजू ने 120 रुपया दिया। 120 रुपये में ये सामान खरीदा भाई, दिखाओ जरा। दिखा रहा है, ये है भाई सामान। ये है दो गैस पकाने में, गैस में रोटी पकाने के लिए, और एक लेटर है और एक चिमटा है। पहले से ना ऐसे सामान खरीदते रहते भाई, सभी लोग, मौका भी होता है तो खरीद। बिज्जू ने अपने बच्चे के लिए लिए क्या खरीदा? ये गणेश महाराज, एक गणपति और एक पिगन, क्या बोलते हैं इसको, और एक ये क्या है, ये बुलबुले उठाने वाला। देखिए यहाँ पे तो ये खरीदिए भाई, अपने बच्चे के लिए पूरी शॉपिंग कर दी है। बिज्जू की शॉपिंग भी पूरी हो गई है और अब चलते हैं हम घर की ओर यहाँ से। और फाइनली हम मेले से आ गए हैं वापस, और अब घर की तैयारी है। और ये है भाई आंवले का पेड़, और देखिए इस पे पत्ते तो एक भी नहीं है, पर पूरे आंवले लगे। बहुत अच्छी वैरायटी का आंवला है। और यहाँ से निकालने का नहीं है, नहीं तो हम एक दो जरूर लेते इसका, पर इस पे एक भी पत्ता नहीं है। चला चला चला, आ गई भैया हमारी गाड़ी भी, हम भी चलते हैं। वो अभी पहले जान चल जाओ।